स्टूडियो है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ अक्षय कुमार के बारे में और उनके मेकिंग वीडियो के बारे में। जो 2.0 का एक मेकिंग वीडियो आज रिलीज किया गया 56 सेकंड के इस वीडियो में, यानी 56 सेकंड के इस वीडियो में अक्षय कुमार का ये जो लुक है ये कैसे तैयार किया गया उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा विजुअलाइजेशन दिखाए गए। अब सच बता दूँ ये इसमें से एक लुक है। सबसे पहले क्या किया मेकर्स ने, जो आई थिंक जो डिज़ाइनर थे, जो फेस पे प्रोस्थेटिक जिसे हम एक तरह का डिज़ाइन होता है वो लगाने वाले, उन्होंने मुंह का, उनके शेप का, पूरे फेस का, पूरे बॉडी तक का, इधर तक का स्ट्रक्चर का, जिस तरह से उनका शेप है उस तरह से एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, उस तरह से पूरा उनका पूरा एक लुक डिज़ाइन किया। और ये लुक से इस लुक में आने में बहुत मेहनत लगी है। और वन ऑफ द मेकिंग वीडियो में भी एशंकर ने बताया है और इंटरव्यूज़ में भी बताया है कि करीबन इस देखिए इस तरह का एक पूरा कुछ पेंट जैसा कुछ डाला गया, पेंट तो नहीं है बट एक तरह का आई थिंक मटेरियल है, उसके बाद एक शेप में वो आ जाता है, उस शेप के बाद एक कपड़े डिज़ाइन हुए कि बहुत सारी चीज़ें आई थिंक की गई है। और एक एक हल्का सा मास्क जैसा सर के ऊपर लगाने के लायक एक देख सकते हैं यहाँ पे, एक अलग से बनाया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रोल रहा है ना केवल अक्षय कुमार के लिए बल्कि रजनीकांत के लिए। रजनीकांत को भी 2-3 घंटे लगते थे। यहाँ पर ये भी सुनने में आया था कि अक्षय कुमार को इस लुक में आने के लिए 4 घंटे तक लगते थे। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और इस लुक के लिए कितना आई थिंक पेशेंस चाहिए, आप सोचो 3 से 4 घंटा आपको एक जगह बैठे रहना पड़े, आपको कोई डिज़ाइन कर रहा है, आपको एक शक्ल दे रहा है, आपको एक लुक तैयार कर रहा है, आपको एक करेक्टर में ढाल रहा है, कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा मेकर्स के लिए इस तरह का लुक देना। मेरे ख्याल से इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट रोल फॉर अक्षय कुमार और रजनीकांत, नॉट रजनीकांत, एशंकर जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इसके पहले भी कई सारे ऐसे रोल डायरेक्ट कर चुके हैं। इसमें से एक आई थिंक हिंदुस्तानी फिल्म का एक रोल मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, कमल हसन की फिल्म थी हिंदुस्तानी, 1986 की फिल्म थी, और कुछ इस तरह से जो लुक है वो डिज़ाइन किया गया था कमल हसन साहब का। और ये दर्शाता है कि अभी से नहीं बल्कि एशंकर पिछले 20-25 सालों से लुक्स पे कितना आई थिंक काम कर रहे हैं। दिस इज़ कमल हसन एंड दिस इज़ कमल हसन, ए डिफरेंट ए मैन, और दो अलग तरह का लुक था जो उनका बहुत बढ़िया था इस फिल्म में। एंड हिंदुस्तानी वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म ऑफ एशंकर। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये लुक मुझे आके किसकी याद दिलाता है, एक फिल्म है हॉलीवुड में जिसका नाम है बर्डमैन। जी हाँ, बर्डमैन का ये लुक है, आप देख सकते हैं बर्डमैन फिल्म में ये बंदे को लगता है कि इसको इसके पास किसी की ताकत है, ये उड़ सकता है, और ये कहीं ना कहीं फेलियर आर्टिस्ट रहता है थिएटर में। उसके बाद ज़िंदगी इसकी लगभग ख़त्म हो जाती है, इसकी लाइफ में एक बच्ची बचती है, वो भी बच्ची भी उसको इतना प्यार नहीं करती है, लगभग छोड़ ही देती है। किस तरह से बोलता है मैं वापस थिएटर में काम करूँगा, वापस एक बड़ा बंदा बनूंगा, और इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो लुक है बर्डमैन का वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इस इनकी तरह नज़र आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़रा भी कि कॉपी है कुछ है, बट ये ज़रूर कह रहा हूँ कि यार इतना बढ़िया लुक है, मुझे एक और लुक की याद दिला गया, और ये भी लुक बहुत ही ख़तरनाक है, एकदम डिफरेंट है, अलग है। तो हम ज़रूर ये तो नहीं कह सकते कॉपी है किसी चीज़ का, क्योंकि एशंकर पे हमको पूरा भरोसा है, वो कभी कॉपी नहीं करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील पर्सनली, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं मैंने, बट हाँ ये लुक मुझे थोड़ा सा याद दिला रहा था बर्डमैन का, इसलिए मैं सोचा कि आपको बता दूँ। और साथ ही ये बता दूँ जो मेकिंग वीडियो था 56 सेकेंड का, उससे इतना साफ है कि यार इस लुक में आने के लिए 4-4 घंटे लगे अक्षय कुमार को। और उसके बाद लुक को सपोज देखो 3-4 घंटे लगे उस करेक्टर में आने के लिए, उसके बाद शूटिंग होने के बाद वापस से वो जो करेक्टर है ना वो जो ऐसा नहीं कि फायर होगी फेंक, ऐसा नहीं होता है, 2-2.5 घंटा उसको निकालने भी लगते हैं, ठीक है, नॉर्मल एक वापस से लुक में आने के लिए। तो यार बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, एंड दिस इज़ वाई वी से दिस एक्टर्स डू ए लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस। तो हमें उन्हें फिल्म का उनकी चीज़ों का उनके लिए सपोर्ट और इज्जत हमेशा रखनी चाहिए। सो दैट्स वाई आई एम सपोर्टिंग 2.0 इन ए बिग वे, और ये फिल्म कमाल की होने वाली है, और उम्मीद करता हूँ ये धमाल करे और जितने भी रिकॉर्ड हैं सभी तोड़ डाले बॉक्स ऑफिस पर। चलिए फिलहाल इतना ही।